want me do my two-step. यो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बढ़िया ही होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो आज बहुत दिन बाद वापस से व्लॉग हो रहा है और आज है 2 जनवरी 2022। और आज के वीडियो में भारत बजाज बालूगांव को मैं बहुत ही ज़्यादा सुनाने वाला हूँ। मतलब अभी सामने तो नहीं सुना सकता उन लोग को, क्योंकि आज संडे है और शोरूम बंद है। फिलहाल के लिए वीडियो में सुना देते हैं, उसके बाद जाके अच्छे से सुनाएंगे उन लोग को। हाँ, तो हुआ ये है कि मेरा एग्जॉस्ट का जो गैस्किट होता है वो पूरा ख़राब हो चुका था 2 महीने पहले दिवाली के टाइम पे। तो मैं भुवनेश्वर भारत बजाज से एक मंगवाया था और वो लोग पूरा मतलब ख़राब वाला दिए थे। अगर होगा तो मैं इसमें फ़ोटो पिन कर दूँगा। पूरा टूटा हुआ था वो वाला, तो जैसे तैसे मेरे को लगाना था कुछ भी करके, क्योंकि गैस्किट पूरा ही ख़राब हो चुका था मेरा। तो मैं वो वाला लगा दिया था, उसके बाद भी फिर वही प्रॉब्लम होने लगा। मेरा गैस्किट जो मतलब नया वाला लगाया था वो भी पूरा ख़राब हो गया। एक महीने नहीं मतलब 2-4 दिन में ख़राब हो गया था, लेकिन मेरे को पता चला नहीं था। उसके बाद फिर मैं एक जगह पे जा रहा था तो बहुत ज़्यादा साउंड होने लगा, तो फिर चेक किया तो एग्जॉस्ट जो है वो पूरा हिल रहा था वापस से। अभी भी हिल रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। मैं एक जगह पर रुक के आप लोग को दिखाऊँगा। 2-3 बार मैं टाइट भी करा चुका हूँ लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं बालूगांव वाले भारत बजाज पे 1 महीने पहले ही उन लोग को ऑर्डर दे दिया था मंगवाने का, तो वो लोग अभी तक लाए नहीं हैं। और मैं 5 दिन पहले गया था, उनको बोला था लेके आने, दे वर लाइक हम लोग बोल दिए हैं आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा ऐसे। तो फिर मैं 2 दिन छोड़ के वापस से गया तो वो बोले कि जो मतलब पार्ट्स में जो हैं वो बोले कि हम लोग ऑर्डर दे दिए हैं आ जाएगा कल, और आपके सामने मैं कॉल करके बोल देता हूँ ये वो करके। तो फिर उनका नंबर मैं लेके आया और फिर 1 दिन बाद मैं वापस उनको कॉल किया कि मैं गैस्किट ऐसा ऐसा मंगाया था, मेरा बाइक का पूरा ख़राब हो चुका है और मेरे को अर्जेंटली चेंज करना है। तो लोग बोले कि ठीक है आप 1 दिन चला लो और मैं कल सुबह मंगा दूंगा। तो फिर नेक्स्ट डे मैं कॉल किया उनको कि आया है या नहीं, तो वो लोग बोले कि नहीं आज नहीं मंगवा पाए हैं, कल मंगा देंगे ये वो। फिर आज मैं उनको सुबह से 5-6 बार कॉल कर चुका हूँ, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ वहीं पर, अगर देखता हूँ, आज तो संडे है, इधर शोरूम ये लोग बंद कर देते हैं। अगर खुला होगा तो फिर आज गए ये लोग, पूरा अच्छे से सुनाने वाला हूँ इन लोग को आज। मैं पूरा इरिटेट करके रखे हैं ये लोग, भाई नहीं मंगाना है तो बोल दो, मैं कहीं और से ही लेके आ जाऊँगा। अभी यही प्रॉब्लम है, मैं इसको भुवनेश्वर लेके जा नहीं सकता और उधर से कोई आ भी नहीं रहा है कि वो लेके आ जाएगा एग्जॉस्ट का गैस्केट। अब देखते हैं, अगर ये लोग लेके आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को जाके लेके आना पड़ेगा भुवनेश्वर से। एक छोटा सा चीज़ है, जब अगर तुम लोग गाड़ी बेच रहे हो, डोमिनर 400 अगर बेच रहे हो तो उसका सामान भी तुमको रखना चाहिए उसमें। और मेरे को बोलते हैं कि पुराना मॉडल का है गैस्किट आप लगा लो। पुराना मॉडल का तो इतना सा उसका होल है, उसमें कहाँ पे लगेगा ये? पुराने मॉडल डोमिनर में बहुत मतलब छोटा सा होल है उसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो उसका गैस्किट इसके अंदर घुस जाएगा, इसमें तो लगेगा ही नहीं। डोमिनर 250-400 बेचने नहीं चाहिए भाई तुम लोग को, जब उसका पार्ट्स ही नहीं रख रहे हो तुम लोग तो। और मैं आगे चल के दिखाता हूँ आप लोग को एग्जॉस्ट का क्या हालत है, पता नहीं कब ऊपर से निकल के गिर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा।
और इधर इधर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी हो रहा है, उस चीज़ का कुछ एक कराएंगे। इसको पूरा खोलना पड़ेगा, खोल के पैडिंग वगैरह दे के लगाना पड़ेगा फिर। और मैं अपना लीवर गार्ड वापस से इंस्टॉल कर चुका हूँ, जो कि मैं निकाला था कुछ दिन के लिए। DOC के एनुअल डे पे एक मस्त ही चीज़ हुआ था, मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया कुछ रीज़न के लिए। एक्चुअली मेरे को अटेंड करना था लेकिन दूसरे कुछ काम भी थे, तो इसलिए अटेंड नहीं कर पाया उसको। जाता तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता उधर पे। तो अभी यहाँ पे मैं रुक के दिखाता हूँ आप लोग को मेरे एग्जॉस्ट का क्या हालत है। तो ये वाला पूरा अंदर से हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है पूरा। और यहाँ से पता नहीं कब टूट जाएगा, तो देखते हैं इसका कुछ जुगाड़ करेंगे अगर ये लोग नहीं लेके आ पाए तो। और मैं फ़ोटोज़ वगैरह कुछ उठाया था इधर पे, और एक दो रील्स भी थे, तो आप उसको जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। और बाइक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ऐसे, बस एक दो प्रॉब्लम्स है। और ये क्रैश गार्ड लगाया था और इसका ये वाला वो निकल चुका है, इसमें कैप लगा था वो भी निकल चुका है। और ये सब फुटपैक वगैरह स्क्रैच हो चुके हैं, और इधर पे भी थोड़ा बहुत स्क्रैच है, छोटे मोटे चीज़ है, देखते हैं कभी ठीक करा देंगे। और ये भी टूट चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।